मेरा बेबी सॉलिड फूड खाता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। मोस्टली सभी पेरेंट्स को ये कंसर्न रहता है क्योंकि दिस इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम। सो माय डियर पेरेंट्स, बेबी के सॉलिड फूड ना खाने के कई सारे रीजंस होते हैं। जैसे कि हम 6 मंथ्स पे बेबी को सॉलिड फूड देना स्टार्ट करते हैं, उस टाइम पे शायद बेबी फिजिकली रेडी ना हो सॉलिड फूड के लिए। उसका अपने आप से हेड स्ट्रेट रख पाना, सपोर्ट के साथ स्ट्रेट बैठ पाना, फूड को स्वेलो करने के लिए टंग एंड माउथ का जो प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए वो अगर टाइम पे नहीं होता है, तो कई सारे बेबीज ऐसे होते हैं जो 6, 7 और इवन 8 मंथ तक भी सॉलिड फूड स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। सेकेंडली, बेबी जब जन्म लेता है तब से लेके अभी तक, यानी कि 5 to 6 मंथ्स तक वो सिर्फ और सिर्फ मिल्क पीता है, और जब हम बेबी को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए एक बहुत ही बड़ा चेंज होता है। इसीलिए नेचुरली बेबीज फूड को रिजेक्ट करते हैं, इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा पेशेंस रखने की जरूरत होती है। थर्ड, हम बेबी को जो फूड ऑफर कर रहे हैं वो शायद उसे पसंद नहीं आ रहा है टेक्सचर वाइज। किसी को प्योरी फॉर्म में अच्छा लगता है, किसी को टेक्सचर चाहिए, चंक्स चाहिए, बाइटिंग चाहिए। हम बेबी को सेम फूड डेली ऑफर कर रहे हैं या डिफरेंट वेराइटीज नहीं दे रहे, डिफरेंट कलर्स नहीं दे रहे, तो ये चीज भी बहुत मैटर करती है। फोर्थ, हम बेबी को रेगुलरली फूड ऑफर नहीं कर रहे हैं। जैसे कि बेबी ने 1, 2, 3 बार फूड को रिजेक्ट कर दिया तो हम सोचते हैं कि वैसे भी बेबी नहीं खा रहा है तो हम उसे स्किप कर देते हैं कई कई बार, तो ये नहीं करना है। फिफ्थ, बेबी को सॉलिड फूड देने के लिए अगर हम सही टाइम चूज नहीं करेंगे तब भी बेबी फूड नहीं खाता है। बेबी ने अभी अभी मिल्क पिया है, उसके बाद अगर हम तुरंत ही बेबी को सॉलिड फूड देंगे तो बेबी डेफिनेटली नहीं खाएगा क्योंकि उसका टमी फुल है। बेबी ज्यादा रो रहा है या थका हुआ है, उसे नींद आ रही है या फिर ज्यादा भूखा है, वैसे टाइम पे अगर आप सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करेंगे तब भी बेबी सॉलिड फूड नहीं खाएगा। सो बीइंग अ पेरेंट, हमें पता होता है कि बेबी का मूड कब अच्छा होता है, वो कौन से टाइम पे ज्यादा प्लेफुल होता है। वैसे टाइम पे अगर हम सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि बेबी उस टाइम पे उस सॉलिड फूड को ट्राई करे। सिक्स, हम अपने बेबीज के लिए बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से अच्छा फूड बनाते हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस के साथ कि आज तो बेबी फूड खाएगा, लेकिन फिर भी अगर बेबी उस फूड को रिजेक्ट करता है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमें पता है कि हमने इतने अच्छे से बनाया, इतने प्यार से बनाया, इतना अच्छा बनाया, तो क्यों नहीं खाना है। इसीलिए फिर हम उसे फोर्स फीडिंग करते हैं, एंड यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। ऐसा करके हम बेबी का फूड के साथ नेगेटिव एसोसिएशन करते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। सेवन, जब हम बेबी को सॉलिड फूड ऑफर करते हैं तो इनिशियली बेबीज क्या करते हैं, उसे टच करने की ट्राई करते हैं, अपने हाथों से स्क्वीज करते हैं, अपने चेहरे पे लगाते हैं, कपड़े पे लगाते हैं, तो हम तुरंत क्या करते हैं, तुरंत ही उसे क्लीन करने में लग जाते हैं। ये बच्चे के लिए काफी इरिटेटिंग होता है। तो ऐसा करने से क्या होता है, बच्चे की जो क्यूरियोसिटी रहती है, इंटरेस्ट रहता है फूड को एक्सप्लोर करने का, वो चला जाता है। सो नेक्स्ट टाइम जब हम बेबी को सॉलिड फूड देते हैं तो फिर वो टच ही नहीं करते हैं। एंड लास्ट, हो सकता है कि बेबी को पता ही नहीं है कि खाना खाया कैसे जाता है, उसने कभी किसी को अपने आसपास खाते हुए देखा ही ना हो। तो पॉसिबल है तो जब भी आप खाना खाने बैठते हो बेबी को आसपास रखो, उसे देखने दो कि आप कैसे खाना पकड़ रहे हो, कैसे खा रहे हो। हो सके तो उसे छोटी प्लेट में उसका पोर्शन दे दीजिए एंड लेट द बेबी एक्सप्लोर। बच्चा जितना फूड को एक्सप्लोर करेगा उतनी ही जल्दी बेबी सॉलिड फूड खाना स्टार्ट करेगा। सो दीज आर सम वेरी कॉमन रीजंस की जिसकी वजह से बच्चे सॉलिड फूड को रिजेक्ट करते हैं। तो अगर आप भी इसमें से कुछ चीजें कर रहे हैं तो उसे करेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। 6 to 12 मंथ्स का जो पीरियड रहता है बच्चों का, वो फूड के साथ फ्रेंडशिप करने का पीरियड रहता है। तो एज अ पेरेंट हमें क्या करना है, बहुत ही प्यार से पेशेंटली उन्हें सिर्फ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड ऑफर करना है, उन्हें एनकरेज करना है कि वो फूड को टच करे, एक्सप्लोर करे। फोर्स फीडिंग बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि ऐसा करने से हम उसके साथ नेगेटिव एसोसिएशन क्रिएट करते हैं, बेबी की वो फ्रेंडशिप नहीं बन पाती है फूड के साथ, एंड फिर बच्चे ज्यादा से ज्यादा सॉलिड फूड को रिजेक्ट करते हैं। सो दैट्स इट, आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा। दूसरे पेरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए जिससे कि उन्हें भी हेल्पफुल हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, एंड बाजू में जो आपको बेल आइकन दिख रहा है उसे भी क्लिक कीजिए जिसकी वजह से आपको मेरी चैनल के सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।